अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जो बहुत मजेदार होने वाली है, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आपके अंदर से यूट्यूब निकलनी चाहिए। इसका मतलब कि काम करने का दिल करना चाहिए, वीडियोस बनाने का दिल करना चाहिए, बातचीत करने का दिल करना चाहिए। जो काम आपके अंदर से नहीं निकल रहा, वो आपके लिए नहीं बना। सपोज कुछ लड़कियां इसलिए यूट्यूब पे आ जाती हैं, देखा देखी वो लड़की या वो लड़का काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, व्यूज भी बड़े जबरदस्त आ रहे हैं और हम भी यूट्यूब बना लेते हैं। इस तरह काम नहीं होता। दुनिया में और भी बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। अगर आप लोग मुझे कहें कि 2 से 3 साल हो गए यूट्यूब पे खपते हुए, वीडियोज डालते हुए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या हमने यूट्यूब करना ही नहीं है, हमें कोई ऐसी चीज बताएं जो आसान भी हो, मजा भी आए करने में, तो डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये 2 चीजें आप लोग कोर्सेस कर लें। मैं कहती हूँ इतनी डिमांड है आजकल इनकी, मैं तो खुद सोच रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूँ। चले जी, हम अब हाउ टू ग्रो उसी टॉपिक पे रहते हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। अच्छा, कोई भी वीडियो बनाने से पहले उस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। सपोज के मैं 100 किलो की हूँ और मैं वेट लॉस पे वीडियो बना रही हूँ, कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। सब तो यही कहेंगे ना, खुद 100 किलो की और वेट लॉस पे वीडियो बना रही है। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं और या स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसका मुंह पूरा दानों से भरा हो, खराब मुंह हो, ब्लैक हेड्स हो, बाल भी बिल्कुल खराब हो, और आप लोग सबसे पहले उसको देखेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट होके इसने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा, अपने बालों का ख्याल नहीं रखा, तो हमारा ख्याल ये किस तरह रखेगी? इसलिए हमेशा जिस चीज के बारे में आप लोगों ने वीडियो बनानी है, खुद वो इस्तेमाल करें, उसका रिजल्ट अपने ऊपर लेके आए, फिर वीडियो बनाएं, फिर आप लोग व्यूज देखिएगा कितने आते हैं। जब मैंने वेट लॉस किया था 90 केजी से 62 केजी पे आई, तो मैंने जो 62 पे वीडियो आके बनाई थी, मैंने 90 पे नहीं बनाई थी। अगर 90 पे बना देती तो क्या था, अपना ही मजाक बनना था ना। खुद तो इससे वजन कम किया नहीं और हमें बता रही है। जब चीज वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते अपने आप पे, तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे और लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। अब मैं अपनी स्किन का ख्याल ना रखूं, ग्लो ना कर रही हूं, तो मैं ग्लोइंग स्किन की कोई रेमेडी लेके हूं तो यकीन करोगे? तो कहना चल 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 निकल, ठीक है ना। अब मैंने चीजें इस्तेमाल करके, रेमेडीज इस्तेमाल करके अपनी स्किन का ख्याल रख के एक ग्लोइंग स्किन अपनी बनाई है, तो अब मैं आप लोग को मशवरा दूंगी, आप लोग यकीन भी करेंगे और यकीन करते भी हैं। इसी तरह ही होता है ना, ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने ऊपर वो चीज इम्प्लीमेंट करें और फिर वो वीडियो बनाएं और फिर देखिएगा व्यूज अपने। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गॉसिप नहीं करनी चाहिए, अपने मसले अपने तक रखने चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को किसी की चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो भी आप लोगों ने अपने तक रखनी है, क्योंकि वो हमारा मसला है, किसी और का मसला नहीं है। अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई मसला चल रहा है, वो भी हमारा मसला है, वो ऑडियंस का मसला नहीं है। एक वर्क प्लेस के कुछ एटिकेट्स होते हैं, उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सपोज मेरी ये पेंसिल टूट गई है, मैं रोने धोने डाल दूंगी यूट्यूब पे आके, मेरी पेंसिल टूट गई, मेरी पेंसिल टूट, किसी को क्या लगे? आप लोग कुछ लगे? लगे कुछ नहीं लगे ना, क्योंकि ये मेरा मसला है, मुझे अपने मसले अपने तक रखने हैं। कोई भी किसी का मसला सुन के ना उसको अपना मसला नहीं समझता, उसको फटीग ही लगती होती है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसलिए गॉसिप से या अपने मसले यूट्यूब पे लेके आने से गरेज किया जाए। उस वक्त तो आप लोग को लग रहा होगा कुछ वीडियोस वायरल हो गई, शेयर धड़ाधड़ व्यूज धड़ाधड़, इन द एंड व्यूज आने बंद हो जाते हैं। यही एग्जांपल हमारी जिंदगी की भी है। जो इंसान हर वक्त अपने रोने रोता रहता है, उसको अपनी इंपॉर्टेंस खो देता है। इसी तरह यूट्यूब पे भी सिर्फ अपना और अपने ऑडियंस के साथ बातचीत हो, एंगेजमेंट अच्छी हो, आपस में हमारी गुफ्तगु अच्छी हो रही है, हम आगे दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कॉन्टेंट यही होता है। उसके बाद जो पॉइंट है, आपकी वीडियोस में फ्लो होना चाहिए। जो आप लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, डाउट्स नहीं होना चाहिए उस बात में, यानी कि मुझे लगता है ये करने से ये हो जाएगा, लगता नहीं है ऐसे ही होगा। क्योंकि जब डाउट्स क्लियर होंगे तब फ्लो आएगा, जब फ्लो क्लियर होगा तो लोगों को सुनने में मजा आएगा और वीडियो देखने में मजा आएगा। सपोज अगर मुझे किसी चीज में डाउट होता है, स्किन केयर की वीडियो बना रही हूँ, साथ ही मैंने अपने डॉक्टर को फोन करना होता है कि डॉक्टर जी मुझे इसमें डाउट है मेरा, आप डाउट्स क्लियर कर दें, ताकि वीडियो में मेरे एक फ्लो आए और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि यही बात सही है और मैं सही नॉलेज आगे प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है। फ्लो कब आएगा? जब हम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। ये देखें, रात को मैं सोचती हूं कि मैंने ये वाला टॉपिक पे वीडियो बनानी है, जो जो चीजें मेरे माइंड में आती है मैं नोट करती रहती हूं। और अगर इतना पेपर वर्क मैंने यूनिवर्सिटी में किया होता ना, जब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कर रही थी, सब सर ने मुझसे बहुत खुश हो जाना था, लेकिन हमने उनको मौका नहीं दिया। अच्छा, इसलिए नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है वीडियो बनानी बहुत आसान है, सोचा लाइटें ऑन की, कैमरा सामने रखा और वीडियो बना ली।
वीडियो बनाते वक्त माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, सामने पॉइंटर्स होंगे ना जो आप लोगों ने सोचे हुए हैं, उसके ऊपर फिर बातचीत करना और आगे वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और आपकी गुफ्तगू में फ्लो भी तभी आता है जब आपको याद हो कि हमें ये पॉइंटर्स हैं। भूल जाती हैं बातें कि पॉइंटर्स नहीं बनाएंगे, आधी बात स्किप हो जाएंगे, आधी बातें गलत बोली जाएंगे, वीडियो में वो मजा नहीं होगा, लोग रिलेट नहीं करेंगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वीडियो ना वायरल होगी, ना व्यूज आएंगे, ना लोग देखेंगे, ना अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, ठीक है जी। ये छोटी छोटी बातें जिसको हमने ना जहन में रखना होता है। बाकी जी बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं। हमें अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट इन सेंस बैकग्राउंड की हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट एसेसरीज की हो सकती है। सपोज अब मैं एक वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों ने 30 सेकंड या एक मिनट तो उस घड़ी को देखा होने वो और से किस तरह का स्टाइल है, क्या कलर है, एक मिनट तो गुजर गया, ठीक है, आप लोग के व्यूज आने शुरू हो गए। एक मिनट ही आप लोग वीडियो देखेंगे तो व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता 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 व्यूज आते रहेंगे। इसीलिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कर लें, अपने बालों का स्टाइल डिफरेंट कर लें जिससे एंगेजमेंट आए, या नेल पॉलिश का कलर एक ऐसा कर लें जिससे एंगेजमेंट आए। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इस तरह बताई नहीं जाती, ये सिर्फ खुद की जाती है और खुद इंसान इसको इम्प्लीमेंट करता है। देखिए अब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए नेल पॉलिश लगाई है, मैं ये तो नहीं ना बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है, मैंने बस लगा ली है और अपने हाथ यूं रख ली, अब आप लोग खुद ही देखते रहेंगे, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी मैंने कि आप लोगों को दिखाने के लिए घड़ी लगाई है, वरना मुझे क्या जरूरत है कमरे में घड़ी लगा के बैठने की, मैं तो कहीं जा भी नहीं रही। ये एंगेजमेंट के तरीके होते हैं, ये बताए नहीं जाते, ये खुद करने होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने हल्के से बाल सेट किए हैं, बाल थोड़े थोड़े नीचे से स्ट्रेट किए हैं, ड्रेस इस तरह का पहना है, ऊपर से लाइनर लगा लिया है ताकि आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर मैं ऐसी उठ के आ जाती, बालों को सेट ना करती, शर्ट और शलवार और दुपट्टा और उस तरह आ जाती, या नाखून मेरे गंदे लग रहे होते, हाथ मेरे अच्छे ना लग रहे होते, तो इंगेजमेंट थोड़ी सी इफेक्ट होती है। हमें भी, लोगों को छोड़ें अपने आप को देखें, हमें भी अच्छी चीज़ देखना पसंद है, उसको एक मिनट देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको सर्च करते हैं आंखों से उसके बारे में। तो इस ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं व्यूज ज्यादा करने के। तो आप लोग हर चीज पे फोकस किया करें, इन्वेस्टमेंट किया करें बैकग्राउंड पे, अपने कपड़ों पर, सबसे पहले तो अपने आप पे। और क्योंकि ये हमारा एक वर्क प्लेस है और जब हम स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप होके आते हैं, और क्योंकि हम स्कूल की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें स्कूल में गंदे मंदे जाना पसंद नहीं है। इसी तरह हमें अपने काम की भी इज्जत करनी है, हमें अपने काम से भी प्यार करना है, जो भी काम करें दिल से करना है, तभी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। इस तरह नहीं कामयाब हो सकते कि लाइला गोजो वो कर रहा है तो मैंने भी करना है, वो इस तरह कर रहा है मैंने भी इस तरह करना है, तब नहीं कामयाबी मिलती। अंदर से कोई चीज़ जब निकलती है ना, और अंदर से निकालनी पड़ती है, दिल लगाना पड़ता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि पेपर वर्क है। आप लोग जब पॉइंट्स नोट कर लेते हैं ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर अभी आप लोग नोट करेंगे कल आप लोगों को भूल जाएगा। एक बार नोट किया होगा ना दोबारा वो रिकॉल हो जाएगी मेमोरी, लेकिन जब नोट ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल इंसान ब्लैंक हो जाता है। और जी क्या कह सकते हैं, और क्या जरूरी पॉइंट्स हैं, सोचने पड़ेंगे। और अब जी आखिरी पॉइंट के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि नेगेटिविटी को ज्यादा सर पे सवार नहीं करना है। कोई भी काम करने का इरादा करो, नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देना। ये अब आप लोग का है कि आप लोग नेगेटिविटी से किस तरह टैकल करते हैं। कुछ लड़के लड़कियों का दिल बहुत ज्यादा छोटा होता है, अगर एक नेगेटिव कमेंट आए और 10 पॉजिटिव कमेंट्स आए, सिर्फ पूरा दिन नेगेटिव कमेंट के बारे में सोचते रहेंगे, पॉजिटिव को तो किसी खत्म ही नहीं ले जाएंगे, तो परा हो जैसे नेगेटिव सामने, और सारा दिन सोच सोच के डिप्रेस्ड हो जाएंगे और जी अपना वो जो होती है ना एनर्जी वो खो देते हैं। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस अपने आप को पता होना चाहिए आप लोग सही कर रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों ने करते रहना है। इसलिए कोशिश करते रहिएगा, अगर YouTube का शौक है YouTube करते रहें, वरना और भी बहुत से कोर्सेज हैं, कोर्सेज करें, अपने आप के स्किल्स पॉलिश करें, कोई स्किल सीखें। आजकल तो हर स्किल सीखी जा रही है और बहुत स्कोप है हर स्किल का। आजकल तो मैं कहती हूँ जो बंदा मेहनत करता है और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करता है ना, वो कभी भी भूखा नहीं सो सकता। इंसान जो चाहता है कर सकता है, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए और थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। चलिए थी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। YouTube पे काम करें और दिल से काम करें, दिल से काम नहीं करना तो YouTube में छोड़ दो, और भी बथेरे काम ने, ठीक है जी। चलिए जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो थले तो उसे कमेंट करो, तो ऐसी वीडियो बना देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।